हेलो स्टूडेंट्स, सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है फॉर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन वेरियस गेम्स में। तो आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि किन किन गेम्स में उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन और आइदर एज और उसकी फीस एंड लास्ट डेट ऑफ पर्टिकुलर जो ये 6 वीक का कोर्स है इसकी लास्ट डेट कौन सी होगी। ओके, ये सर्कुलर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग अंडर मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, कि मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के तहत ये स्पोर्ट्स का कोचिंग सर्टिफिकेट 6 वीक का उन्होंने ओपन किया जो 20 दिसंबर 2021 टू 10 फरवरी 2022 तक, 20 दिसंबर 2021 से लेके 10 फरवरी 2022 तक ये उनका 6 वीक का प्रोग्राम चलेगा। लास्ट डेट है इसकी 50 नवंबर अप्लाई करने की इस कोर्स को। स्टार्टिंग एप्लीकेशन स्टार्ट डेट दैट इज 7 अक्टूबर। फी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2021। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय पोस्ट 50th नवंबर 2021। असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक वो असेस करेंगे एप्लीकेशन को। सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश करेंगे 8 दिसंबर को। ऑनलाइन क्लासेस होगी 20 दिसंबर से लेके 12 जनवरी 2022 तक। फिजिकल रिपोर्ट एट सेंटर करना पड़ेगा 24 जनवरी 2022 में। प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस 25 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक होंगी। थ्योरी एग्जामिनेशन 4 फरवरी 2022 को। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 7 फरवरी टू 9 फरवरी 2022 में और सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी इसकी होगी 10 फरवरी 2022 को। तो ये पूरी उन्होंने डिटेल की है कि कब एग्जाम होंगे, कब ऑनलाइन क्लासेस होगी, कब फिजिकल क्लासेस होंगी, थ्योरी एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और फाइनल जो डेट है दैट इज 10 फरवरी 2022 को सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी होगी। तो ये भी मेंशन है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स एकेडमिक विंग NSNIS पटियाला ने जो ये 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कराने जा रहे हैं इन स्पोर्ट्स कोचिंग में 20 दिसंबर से लेके 10 फरवरी तक फॉर मेन एंड वुमन दोनों सेक्शन में। ये बेसिकली पर्पस इस जो ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का है इन कोचिंग और वर्किंग इन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री हाउस इन अदर एजेंसीज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, वो सारे पर्सन इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हैं और फर्दर कोई बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो ये सारे डिसिप्लिन है जिसमें ये 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स होगा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग, कैकिंग, क्रिकेट, फेंसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, रोल बॉल, रोइंग, सॉफ्टबॉल, शूटिंग, स्विमिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशू एंड योगा। तो 28 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए ये स्पोर्ट्स कोचिंग का सर्टिफिकेट ओपन किया है साई ने। तो इसमें मेंशन भी किया है कि ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस होंगी वो दैट इज बाय मेन एकेडमिक सेंटर NSNIS पटियाला ही करेगा। जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी जो इस कोर्स की वो सेंटर जो भी डिसाइड करेंगे साई NIS पटियाला, वो आगे फर्दर आप लोगों को इनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जो मिनिमम साइज होगी पर क्लास की वो रेंजिंग होगी 30 to 50 स्टूडेंट एक क्लास में वो होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म आप
ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NIS पटियाला से ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से जो कि www.nsnis.org पे है। इसकी फीस इस कोर्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड की है उन्होंने इंटायर ड्यूरेशन के लिए कि 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स की फीस जो है 22,400 रुपये मेंशन की है विच इंक्लूड आपके लॉजिंग बोर्डिंग एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो सारे इंक्लूडेड होंगे। फी की जो डिटेल है 22,400 की उन्होंने मेंशन की है कि जिसमें कोर्स फीस 10,000 एस्टेब्लिशमेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस 4,000 लाइब्रेरी फीस 300 सिलेबस नोट्स 500 लॉजिंग चार्जेस 1,400 रुपये बोर्डिंग चार्जेस 4,200 रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,000 तो टोटल यहाँ होगी पर कैंडिडेट की 22,400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपने ये कोर्स पर्टिकुलर ज्वाइन करना है। फी डिपॉजिट बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको एटलीस्ट ये 14,800 रुपये पे करने पड़ेंगे जिसमें कोर्स फी 10,000 मिसलेनियस चार्जेस 4,000 लाइब्रेरी फीस 300 सिलेबस ऑब्लिक नोट्स तो 14,800 रुपीज आपको बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस से पहले करने ही पड़ेंगे। जो फी फॉर लॉजिंग एंड बोर्डिंग विल बी पेड बाय द कैंडिडेट व्हेन ज्वाइन फिजिकल क्लासेस एट द सेंटर ऑफ द ट्रेनिंग तो आपको बाकी जो फीस होगी लॉजिंग एंड बोर्डिंग की आपको तब पे करनी पड़ेगी जब आपने फिजिकल जो क्लासेस है ज्वाइन करने जा रहे हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी आइदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की के साथ और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के साथ वो अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें मेंशन किया कि जो प्लस टू है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है कि आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप पब्लिक टूर्नामेंट और इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप टूर्नामेंट और चैंपियनशिप टूर्नामेंट कंडक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ कंसर्न स्पोर्ट डिसिप्लिन तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जरूर मेंशन की है बट फर्दर मार्क्स दिए इन केस यू आर बैचलर और ग्रेजुएट तो 2 मार्क्स मिलेंगे एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस इन स्टेट चैंपियनशिप जोनल इंटर यूनिवर्सिटी और जूनियर जोनल टूर्नामेंट तो आपको 2 मार्क्स उसके अलग से मिलेंगे। इन केस यू आर बैचलर ग्रेजुएशन इन साइंसेज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बैचलर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ऑब्लिक स्पोर्ट्स तो 3 मार्क्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस इन जूनियर नेशनल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जोनल सीनियर चैंपियनशिप टूर्नामेंट और जब पार्टिसिपेशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। इन केस यू आर मास्टर डिग्री 2 ईयर और मोर अदर देन फिजिकल एजुकेशन ऑब्लिक स्पोर्ट्स तो 4 मार्क्स 1, 2 एंड 3 प्लेस एट सीनियर नेशनल लेवल तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ऑब्लिक स्पोर्ट्स एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन और PhD इन स्पोर्ट्स तो वो कैंडिडेट्स को कंसीडर करेंगे टॉप मेरिट में प्रोवाइडेड ही शी मीट्स मिनिमम स्पोर्ट्स अचीवमेंट तब भी इन कैंडिडेट्स को टॉप मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा और जब पार्टिसिपेशन एट जूनियर इंटरनेशनल लेवल तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 6 पॉइंट पे है कि पार्टिसिपेशन एट सीनियर इंटरनेशनल लेवल तो अगेन इन कैंडिडेट्स को टॉप मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा प्रोवाइडेड अगर उसने ही शी मीट्स मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइडेड ये है कि उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूर पूरी होनी चाहिए जो ऊपर मेंशन की थी दैट इज अ प्लस टू। जो मेरिट लिस्ट होगी प्रिपेयर्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जो कैंडिडेट ऑब्टेन करेगा इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट में जो टेबल हमने ऊपर डिस्कस किया। अब एज कितनी होगी एज इसकी 20 से लेके 42 ईयर्स तक जो कैंडिडेट्स हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं एज ऑन 7 अक्टूबर 2021 तक। जो रिलैक्सेशन मिलेगी फॉर 5 ईयर फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट रीजन उनको ये 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। ड्यूरेशन 6 वीक का होगा
20 दिसंबर 2021 से लेके 10 फरवरी 2022 तक ये कोर्स ड्यूरेशन होगी इसकी। प्लेइंग किट यहाँ मेंशन किया कि यूनिफॉर्म की कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग देयर ऑन वार्म अप शूज, गेम शूज, वाइट सॉक्स, वेस्ट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, ट्रैक लोअर ट्राउजर फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड ट्रैक सूट एक्सेट्रा फॉर देयर पर्सनल यूज। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होंगे वो कैंडिडेट अपने खुद पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग वो इक्विपमेंट लेके आएगा। साथ में जो क्लोथिंग होगी, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द कोर्स विल हैव टू ब्रिंग देयर ऑन बेडिंग एंड क्लोथिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, वो अपने साथ लेके आनी पड़ेगी उनको। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, कैंडिडेट को अगर एडमिशन लेनी है इस सर्टिफिकेट कोर्स में तो रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, जो परफॉर्मा होगा उसको डाउनलोड करके फिल करके आगे इसको सेंड करना पड़ेगा। उसके साथ एक हजार रुपये का आपको चलान ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी जनरेट थ्रू SB कलेक्ट के साथ। तो कैंडिडेट को ये डिफरेंट मोड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे सच एज डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, SBI बैंक चलान एंड SBI बर्डी, बट करनी आपको ये ऑनलाइन पेमेंट ही है। इसकी एग्जांपल दी है पाथ फॉर SB कलेक्ट कि आपको www.onlinewebsbi.com पे जाना, गो टू SB कलेक्ट, देन बाय एंटर टॉप बॉक्स न्यू वर्जन सिलेक्ट द चेक बॉक्स, प्रोसीड, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट सिलेक्ट पंजाब, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट सिलेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबमिट, सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, एप्लीकेशन फी 6 वीक, सर्टिफिकेट कोर्स फी, वो फॉर्म फिल करना देन सबमिट कर देना। तो फी डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 7 नवंबर 2021। आपको सबमिशन करनी है, जो सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन लास्ट डेट है 50th November 2021 इन द ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ओल्ड मोतीबाग, पटियाला, 147001, पंजाब। जो इनकम्प्लीट होंगी आपकी एप्लीकेशन विदाउट अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए, और जो विदाउट एप्लीकेशन फी 100 रुपीज आपको बोला है अगर नहीं हुई, एंड आल्सो एप्लीकेशन नॉट सर्टिफाइड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वो एप्लीकेशंस आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो फर्दर ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स भी यहाँ मेंशन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना। यहाँ सबसे पहले स्पोर्ट्स डिसिप्लिन अपना फिल करना है, किस गेम के लिए आपने ये सर्टिफिकेट कोर्स चूज करने जा रहे हो, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर में, यहाँ आप अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ आइदर मेल और फीमेल, फादर नेम, हस्बैंड नेम एंड ऑक्यूपेशन इन ब्लॉक लेटर्स, प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट और डोमिसाइल, किस स्टेट में आपकी जो बर्थ है दैट इज द डोमिसाइल, SC ST OBC कैटेगरी में एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफिशिएंसी इन गेम स्पोर्ट्स इन विच यू प्रपोज टू अंडरगो द कोर्स, वो आपको पर्टिकुलर गेम यहाँ मेंशन करनी है, स्टूडेंट हो और एम्प्लॉई हो, और जो आपने 100 रुपीज का जो चलान आपने फी पेड किया है उसका SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर क्या है वो मेंशन करना है, डेट यहाँ मेंशन करनी है, और ये मेंशन नोट किया है कि आपके जो एप्लीकेशन के साथ डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफिशिएंसी इन गेम स्पोर्ट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इसके साथ आप लोगों ने लगानी है विद योर एप्लीकेशन, अगर नहीं लगाओगे तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ प्लेस एंड डेट लिखना है, अगर इन केस योर स्पोर्ट कोई स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी या आपके कोई एम्प्लॉयर्स हैं तो वो ये वाला रिकमेंडेशन ऑफ द स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी से आपको करवाना पड़ेगा अटेस्टेड, एंड ये डॉक्यूमेंट है
टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ आपका नाम आएगा और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उससे आपको ये सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। ये दैट इज अ एक तरह की अंडरटेकिंग बोल सकते हैं आपकी, आई एम सेटिस्फाइड पॉइंट डाउट दैट ही शी इज फुली फिट एंड अंडरगोइंग द स्ट्रीनियस फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये आपको रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर्स होंगे उनसे आपको ये सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। और इसकी डिटेल में इंस्ट्रक्शन आने के लिए या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको www.nsnas.org वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड करके फिल करना है बिफोर जो इसकी लास्ट डेट होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।